हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चंस हैं वो हमने लॉगरिथम फाइंड करने हैं। तो लॉग फाइंड करने का जो आसान तरीका है वो कैलकुलेटर के ज़रिए से, वैसे तो लॉग टेबल के ज़रिए से भी फाइंड किया जा सकता है, लेकिन लॉग को फाइंड करने के लिए जब हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे पहले लॉग का बटन दबाएं, उसके बाद ये जो लॉग का बटन है LOG, इसके बाद आपने जो वैल्यू जिसका हमने लॉग निकालना है 5 3 1 3, अब जो है इक्वल टू का बटन दबाएं तो आपके पास आता है 3.725। तो 3.7253, इसमें जो हमारे पास डेसिमल से लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है उसको हम करैक्टरिस्टिक कहते हैं, और डेसिमल के राइट साइड पे जो वैल्यू होती है उसको हम मैंडिसा कहते हैं। तो अगर हमारे पास जवाब नेगेटिव आ रहा हो तो फिर उसका मेथड ज़रा डिफरेंट है, लेकिन करैक्टरिस्टिक और मैंडिसा लिखने का ये हमारे पास सादा सा तरीका है कैलकुलेटर के ज़रिए से, कि आपने लॉग का बटन दबाया, 5313 की वैल्यू लिखी और ये इसका आंसर लिख दिया अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ये भी किया जा सकता है कि अगर 5th डेसिमल प्लेस जो है वो हमारे पास अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है, तो जैसे यहाँ पे ये 5th डेसिमल प्लेस पे है 3, तो इसको अगर हम राउंड ऑफ ना भी करें तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो 5 से ज़्यादा होगा तो हम उसको राउंड ऑफ भी कर देंगे। जैसे अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि लॉग का बटन हमने दबाया, उसके बाद है जी 4580, तो ये हमारे पास आता है जी 3.6608। तो 3.66 और 08 के आगे जो हमारे पास है 6 है, तो मैं अगर 8 को 9 भी कर दूं तो कोई बुराई नहीं है, ये अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से हम इसको राउंड ऑफ अगर करना चाहें तो। इसी तरीके से हम इसके सारे जो आंसर्स हैं वो निकाल सकते हैं। मैं अगर निकालूं लॉग ऑफ 9613, लॉग ऑफ 9613, तो लॉग ऑफ, जी मुझसे गलत हो गया, लॉग ऑफ 9.613, तो इससे मेरा आंसर आता है 0.9828। तो 0.9828, और अगर मैं 9 लिख लूँ तब भी ठीक है कि 4 डेसिमल प्लेस को 5th डेसिमल प्लेस के हिसाब से राउंड ऑफ कर दूँ। इसी तरीके से लॉग ऑफ 110.9, तो ये मेरे पास आता है जी 2.0449। तो 2.044 और 9 जो है ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से लॉग ऑफ 52.39 ये आता है 1.7192, 1 1। अच्छा, ये जो हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन है वो बन रहा है क्वेश्चन 6, जब मैं इसका लॉग निकालता हूँ तो लॉग ऑफ 0.01207, तो इसका जब मैं लॉग निकालता हूँ तो मेरे पास देखें आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो करेक्टरिस्टिक तो हमारे पास नेगेटिव हो सकता है, मैंडिसा नेगेटिव नहीं होता अगर हम लॉग टेबल वाले मेथड से करें। तो इसके हिसाब से इसको पॉजिटिव बनाने की खातिर मैं इसमें 1 प्लस करता हूँ। 1 अगर मैं प्लस करूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो अभी भी नेगेटिव है, तो इसमें एक दफ़ा और 1 प्लस करता हूँ तो अब आंसर पॉजिटिव हो गया। तो चूंकि 2 दफ़ा 1 प्लस करने से आंसर पॉजिटिव हुआ, तो 2 2 लिख के उसके ऊपर हम वो नेगेटिव साइन डाल देंगे, करेक्टरिस्टिक जो है वो इसका -2 है। और मैंडिसा, अब ये जो डेसिमल में हमारे पास बाकी जो 4 डिजिट्स बनेंगे उनको लिख देंगे 0.01, 0.0817, तो 0.0817 जो है वो इसका जो है वो मैंटिसा हो गया। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो लॉग ऑफ 0.0093 जो कि मेरे पास बनते हैं -2.0315। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसमें 1 ऐड करता जाऊं और उतने तक जब तक ये पॉजिटिव नहीं होता तो वो भी ठीक है। वैसे आप जो है मुझे डायरेक्ट भी इसका अंदाज़ा हो सकता है कि अगर 3 इसके अंदर ऐड कर दिया जाए, +3, कि
कि अगर मैं इसमें प्लस 3 ऐड कर दूं तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस 3 ऐड करने से चूँकि पॉजिटिव हुआ तो करेक्टरिस्टिक मेरे पास माइनस 3 हो गया, और बाकी जो डेसिमल में चार डिजिट्स हैं 9684 उसको मैं लिख देता हूँ, 9 6 8, और 4 को अगर मैं अगले डिजिट के हिसाब से राउंड ऑफ कर दूँ तो तब भी चलेगा, ऐसे लिख दूँ तब भी ठीक है। इस तरीके से जो हमारे पास अगला सवाल है वो है 1 ट्रिलियन, तो 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 के साथ 9 जीरो, तो लॉग ऑफ 1 विद 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये मेरे पास 9 आंसर आता है। तो इसका जो है करेक्टरिस्टिक ही सिर्फ आएगा 9, और उसको हम लिख लेंगे डेसिमल में आगे, जो हमारे पास कोई आंसर नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास लॉग ऑफ 0.00004, तो मेरे पास आंसर आता है जी -4.3979। अच्छा, तो इसको अब अगर मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो 5 प्लस करना पड़ेगा, 5 प्लस करने से ये पॉजिटिव हो गया, तो मेरे पास करेक्टरिस्टिक -5 आ गया, और मैंटिसा जो है वो 6020602, और 0 के अगले जो डिजिट है वो 5 है, तो मैं इसको अगर 1 भी कर दूँ तो भी ठीक है। इसी तरीके से जो मेरे पास लॉग ऑफ 4 बनता है वो बनता है जी 0.6020, तो 0.60 और 2, 0 को अगर मैं अगले डेट के हिसाब से राउंड ऑफ करता हूँ तो 1 बनाया जा सकता है, तो 0.6021। इसी तरीके से लॉग ऑफ 4000 ये मेरे पास बनता है जी 3.6020, तो 3.60 और 2, और 0 को अगर मैं अगले डिजिट के हिसाब से राउंड ऑफ कर दूं तो 2 1। इसी तरीके से लॉग ऑफ 54, तो लॉग ऑफ 54 जो 1.7322, और अगले जो हमारे पास 1.7323 है, तो 3 को अगर मैं अगले डिजिट 9 के हिसाब से राउंड ऑफ कर दूँ तो 4 कर देते हैं, और ऐसे ही लॉग ऑफ 1.009, तो हमारे पास आंसर आता है जी 3.0891। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो ये बनेगा 0.00389, तो 0.0038, क्योंकि ये जो है हमारे पास आंसर साइंटिफिक फॉर्म में है, और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ तो डेसिमल के हिसाब से, क्योंकि मुझे इसको छोटा करना होगा, तो ये 3 यूनिट्स छोटा करने के हिसाब से 0.00389, तो मैंने इसको अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस जो है वो इसका मैंटिसा लिख दिया। इसी तरीके से जब मैं लॉग ऑफ 1.0.1009 निकालता हूँ तो मेरे पास आता है जी -0.996। इसको पॉजिटिव करने के खाते जब मैं इसके अंदर 1 प्लस करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 3.89 × 10⁻³। तो ये भी वही है वैल्यू है जो कि हमारे पीछे थी, लेकिन इस दफ़ा हमारा करेक्टरिस्टिक 1 विद नेगेटिव साइन, और जिस तरह हमारा पुराना आंसर 0038 आया उसको जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इसको भी हम जब डेसिमल में जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0.0038 आएगा। और जहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का ताल्लुक है, तो 15 का नेगेटिव वैल्यू है तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप किसी नेगेटिव वैल्यू को जो है उसका लॉग नहीं निकाल सकते हैं।